आज का मुख्य समाचार। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपए में काफी गिरावट देखी जा रही है। ये गिरावट लगातार कई सालों से देखी जा रही है और दुख की बात यह है कि भारतीय सरकार द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा। यही हाल रहा तो आगे भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। इंडिया के सारे लोग मस्त हैं, न जाने क्यों हमारे दिमाग में आती है देश की चिंता। कई दिनों से भारत का रुपया यहाँ गिर रहा है, कई सालों से भारत का रुपया यहाँ गिर रहा है, किसी को चिंता नहीं, सब मस्त हैं। अरे देख 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 देख, यही बोल रहा था, इंडिया का सारा पैसा यही गिर रहा है, बहुत दिनों से लगातार गिर रहा है। यहां खोजते खोजते मेरी हालत पंचर, एक पाई नहीं मिला, कहीं भेंट हो गई ना उससे, मारते मारते कचुम्बर निकाल दूंगा उसका, बोल रहा हूं उसे। तुमको मिला पूछ? नहीं मिला, पीछे देख, पीछे देख। अबे सुन, क्या खोज रहा है? रुपया। सुन, क्या खोज रहा है? रुपया। सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो अंकल, जाकर उठ बैठ करो, 100 उठ बैठ करो जाके। 10, 20, 30, 40, 90। सुनो, जाकर पूरे गांव जवार में जाकर पता करो, कहां कह रहा था कि पैसा गिर रहा है, पैसा गिरा है, खोजते खोजते मर गए, एक पाई नहीं मिला, जाके पता करो बच्चा, ये बहुत जरूरी है, हम लोग मालामाल हो जाएंगे। देखो, हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन उजला शर्ट पहनता है, पढ़ने जाता है, कॉपी किताब रखता है, जाकर पता करो, उजला शर्ट पहना है, जल्दी पता करो। यहाँ बैठे हो, चल चल निकल, चल। अरे बाप, कहाँ ले जा रहे हो हमें? अरे ये तो हमारा अपहरण हो गया। चल, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, छोड़ो। चल बता, यहाँ कहाँ रुपया गिरा है? दिन भर खोजते खोजते परेशान हो गए, एक पाई नहीं मिला, मर गए हम लोग। रुपया नहीं गिरा है तो? देश का रुपया गिरा है, क्रय शक्ति घटी है। कौन गिरा है देश के रुपये को? हम नहीं जानते हैं, ऑनलाइन वाला टीचर पढ़ाते हैं। हटिए हटिए, हम लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे, हटिए। जल्दी लेकर आ, जल्दी लेकर आ, जल्दी लेकर आ। रुपए गिरना अर्थात रुपए की क्रय शक्ति घटना, इसमें महंगाई बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है। कौन है जो रुपए गिराता है? पहला, आलसी व्यक्ति, उसके काम न करने से देश में रुपए का सृजन भी नहीं होता और उसके बीमार होने से मेडिकल सामग्री का विदेश से निर्यात भी करना पड़ता। दूसरा, भ्रष्ट लोग, ये लोग किसी भी योजना को जमीन पर उतरने नहीं देते, बार बार बजट में योजनाएं लानी पड़ती हैं, पूंजी सृजन के लिए पैसा बचता ही नहीं। तीसरा, युवा पीढ़ी, टैलेंटेड युवा पीढ़ी नौकरी की तैयारी में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं एवं बीमार भी होने लगते हैं। यदि नया नया आविष्कार एवं खेल में नाम रोशन करते तो इससे डॉलर की भरमार हो जाती।